जब जब वेस्ट बंगाल में क्रिकेट का नाम आता है तब तब हमेशा दादा यानी सौरव गांगुली का ही जिक्र होता है। लेकिन दादा के साथ साथ बंगाल की मिट्टी की एक और खिलाड़ी निकली जो बंगाल का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाली थी। ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि 28 सितंबर 2003 को सिलगुड़ी वेस्ट बंगाल में जन्मी ऋचा घोष थी। ऋचा की परवरिश एक स्पोर्ट्स प्रेमी परिवार में हुई। उनके पिता मानवेंद्र घोष जो खुद एक क्लब लेवल क्रिकेटर थे, उन्होंने बचपन में ही ऋचा को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। ऋचा ने बंगाल की गलियों में क्रिकेट खेलते हुए अपने स्किल्स को निखारा। बचपन से ही उनका क्रिकेट के प्रति जुनून दिखने लगा। 2020 में जो लड़की गलियों में क्रिकेट खेलती थी उसने अपना पहला कदम इंटरनेशनल क्रिकेट में रखा। 12 फरवरी को ट्राई सीरीज के फाइनल में ऋचा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला T20 मैच खेला। भारत की जर्सी पहन के उन्होंने जो सपना देखा था वो सच होने लगा। ऋचा की मेहनत रंग लाई और मई 2021 में उन्हें पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये एक बड़ा मोड़ था उनके क्रिकेट करियर का। इसी साल अगस्त में ऋचा को भारत के ODI टीम में शामिल किया गया। 21 सितंबर 2021 को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला ODI मैच खेला। उनकी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सफलता दुनिया में चर्चित हो गई। इसी दौरान ऋचा ने अपने नाम एक और अचीवमेंट किया जब उन्होंने वुमेन्स बिग बैश लीग में होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेला। 2022 ऋचा के लिए और भी खास था। उन्हें वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट किया गया जो न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाला था। ये विश्व मंच था जहाँ ऋचा ने अपनी तलवार और तेज चलाई। 2023 में उन्होंने भारतीय टीम के साथ अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ऋचा की प्रतिभा को समझा और WPL 2023 में उन्हें 1.9 करोड़ के प्राइस टैग के साथ अपनी टीम में शामिल किया। ये साल उनके लिए और भी खास था जब उन्हें वुमेन्स टेस्ट टीम में भी सेलेक्ट किया गया और 21 दिसंबर 2023 को ऋचा ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। 2024 में ऋचा घोष ने सिर्फ अपना कदम वुमेन्स प्रीमियर लीग में रखा बल्कि उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए भी खेलते हुए पूरे टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन किया। उनके स्टेलर परफॉर्मेंस ने RCB को WPL 2024 का चैंपियनशिप खिताब भी जिताया। ये चैंपियनशिप सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि ऋचा के सपनों के लिए एक और मंच था जहाँ उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से साबित किया कि छोटे शहरों से आने वाली लड़कियां भी बड़े मंच पर अपना जादू बिखेर सकती हैं। ऋचा घोष का सफर एक प्रेरणा है हर उस लड़की के लिए जो क्रिकेट को अपना सपना बना के देखती है। बंगाल की गलियों से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टेज पर चमकना ऋचा के जुनून, मेहनत और समर्पण का नतीजा है।